तो देखिए बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स पी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक पी है जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स पी से दिखाया जा रहा है और कोई क्यू है जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स क्यू से दिखाया जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि कब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब कितने टाइम के बाद। हमको टाइम बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी एट टाइम टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू कैसे निकलेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू टी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो फॉर्म लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस निकालना है वेलोसिटी, इसलिए डिफ्रेंसिएशन बच्चों किया जा रहा है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी कितना है बच्चों, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू टी, एक्स क्यू टू की वैल्यू कितनी है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू वहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा बच्चों, देखो ए तो कॉन्स्टेंट है, टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, अब डी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है टू टी, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे देखो f कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस फिर d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर होगा, यानी कि ये बचेगा 2t, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए तो f वाले टर्म को इधर ले आए तो इधर बचेगा a माइनस f, ठीक है। उधर क्या हो जाएगा, उधर देखो माइनस का 2t पहले से था, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2bt ऐसे हो जाएगा। ये उधर गया तो इधर प्लस का था, उधर हो गया तो क्या हो गया माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां क्या बचेगा माइनस ए प्लस एफ इज इक्वल टू, यहां से बच्चों टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा टू बी प्लस टू, क्या हुआ माइनस कॉमन चला गया, देखो माइनस से पहले मल्टीप्लाई किया, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई विद निगेटिव साइन, तो हमको क्या मिला, निगेटिव साइन का मतलब कह सकते हो माइनस वन से मल्टीप्लाई करना, तो देखो माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ से टी कॉमन भी ले लिया, या चाहे तो टू टी कॉमन ले लेते, बात वही होती, तो टू टी ले लेते तो क्या आता बी प्लस वन और इन टू ऐसे। अब बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, क्या बचेगा एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ये टाइम की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द डिस्टेंस एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of constant force is related to time t by the equation t is equal to root x plus 3 where x is in meter t in second find the displacement of the particle when its velocity is zero। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि t बराबर root x plus 3 और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट बताना है व्हेन
वेलोसिटी इज जीरो, जब वेलोसिटी कितनी हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे, और जो टाइम निकल के आएगा उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर देंगे। ये इस क्वेश्चन को लगाने का प्रोसेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करो, तब तो वेलोसिटी निकलेगी। तो देखिए बच्चों, जिस पार्टिकल का यह डिस्प्लेसमेंट दिया है रूट एक्स, तो वो निकालो पहले। तो रूट एक्स कितना निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा बच्चों टी माइनस थ्री। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ऑन स्क्वायरिंग, तो क्या आएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स टी। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमको बच्चों क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, फिर उसको जीरो करना है, और वहाँ से जो टाइम निकलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्यों कहा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहला काम बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, लिखेंगे सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू, ये होता है dx अपॉन dt। तो v इक्वल टू d by dt of x, x की वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब बच्चों क्या होगा, देखो d by dt of t स्क्वायर, देखो ये अलग अलग समय हो जाएगा ना, जैसे d by dt of t स्क्वायर हो गया प्लस d by dt of 9 हो गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ 60 हो गया, यही तो होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए बच्चों यहाँ से। तो v बराबर क्या आएगा यहाँ से, v बराबर आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो पावर पता है ना डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम। जब t की पावर n का आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, एन टी की पावर एन माइनस वन, मतलब जो भी पावर हो उसका मल्टीप्लाई कर देना है डिफ्रेंसिएशन के बाद, और पावर में एक कम कर देना है। तो यहाँ पे पावर टू है, तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई, मतलब टू मल्टीप्लाई में आया और पावर में एक कम हुआ, तो टू की टी की पावर टू है तो एक कम होगा तो कितना बचेगा, टी की पावर वन, यानी कि ये बचेगा टू टी प्लस नाइन। नाइन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में टी की पावर जीरो छुपा हुआ होता है, और टी की पावर जीरो का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा टर्म में, तो खत्म हो जाता है। माइनस सिक्स और टी, टी का डिफरेंशिएशन सेम तरीके से करेंगे तो वन आएगा। मतलब बच्चों यहां से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गया टू टी माइनस सिक्स। अब कहेंगे इफ वेलोसिटी इज जीरो, इट मींस टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, भाई इसका मतलब v जीरो हुआ, और v की वैल्यू क्या है, टू टी माइनस सिक्स, तो टू टी माइनस सिक्स जीरो, सो टी टू टी इज इक्वल टू सिक्स एंड t इज इक्वल टू थ्री सेकेंड, दैट्स वाई टाइम विल बी थ्री सेकेंड, एट थ्री सेकेंड वेलोसिटी विल बी जीरो। जब t 3 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई, अब कई लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे आ गया, रे भैया t इक्वल टू क्या होता है 6/2, 6/2 मतलब 3 सेकंड, सिंपल। अब जब 3 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है तो उस समय का हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सो x एट t इक्वल टू 3 सेकंड क्या आएगा बच्चों, x बराबर क्या होता है, देखो ये होता है t स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस सिक्स इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, थ्री, यानी कि एक्स उस समय कितना आएगा, नाइन प्लस नाइन माइनस एटीन, तो एक्स आएगा एटीन माइनस एटीन, यानी कि एक्स भी आएगा जीरो। इसका मतलब जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो देन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि
अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स की पावर माइनस टू एन वेयर बी एंड एन आर द कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई और ये हमको चार ऑप्शन गिवन है ठीक है बच्चों इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है ठीक हमको यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दिया है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा करेक्ट होगा ए वाला मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस टू एन बी स्क्वायर एक्स पावर माइनस फोर एन माइनस वन कैसे करेंगे इसको देखिए तो बच्चों हमको किसी टाइम पे वेलोसिटी वी एक्स बराबर दिया है बी एक्स की पावर माइनस टू एन जहां पर एक्स क्या है एक्स है पोजीशन ये किसी पर्टिकुलर टाइम की क्या है पोजीशन है और बी एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स ये क्या दिया है कॉन्स्टेंट्स है कॉन्स्टेंट है ठीक है हमको बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं इससे तो भाई एक्सेलरेशन बराबर होता है बच्चों डीवी अपॉन डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बच्चों ए फाइंड करना है बट यहां पे देखिए टी का रिलेशन नहीं दिया वी का रिलेशन किसमें दिया एक्स में तो आप इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए dv अपॉन dt है तो आप dx से मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन से और पोजीशन से डिवाइड कीजिए अब अगर इन टर्म्स को इधर उधर कर दें तो क्या मिलेगा हमको ठीक है चाहे इसको इधर इधर इसको इधर कर दीजिए तो a बराबर क्या मिलेगा देखो dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx तो a की वैल्यू क्या आएगी dx अपॉन dt तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होती है वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है तो ये क्या बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी इनटू बनेगा डीवी अपॉन डीएक्स सारा वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों तो हमें क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू वी वही वी एक्स मतलब एक्स टाइम वाली तो ये क्या बनेगी ये बनेगी बी इंटू एक्स की पावर माइनस टू एन इंटू d by dx of v, v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना है भाई v की वैल्यू देखो b x की पावर माइनस टू एन ठीक है बच्चों अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी a की वैल्यू मिलेगी देखो b x की पावर माइनस टू एन इंटू बी तो कॉन्स्टेंट है x की पावर माइनस टू एन का डिफरेंशिएशन कीजिए आपको पता है डिफरेंशिएशन करते समय क्या होता है जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है तो माइनस टू एन पावर है ना तो माइनस का टू एन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो x की पावर है उसमें एक कम हो जाएगा तो माइनस टू एन पहले से था एक कम हो गया तो माइनस वन और आ गया मतलब हो गया माइनस टू एन माइनस वन इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बचेगा आपके पास ठीक है b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर टू और क्या आएगा n वो भी कैसा माइनस n है ना और x की पावर कितना बचेगा देखिए x पावर आ जाएगा माइनस टू एन माइनस टू एन देखो पावर ऐड होती है ना तो माइनस टू एन यहां से और माइनस टू एन माइनस वन यहां से मतलब a बराबर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर एन एक्स बराबर ए बराबर आ जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर एन एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ठीक है तो ये क्या आ जाएगा ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है बी एक्स की पावर माइनस टू एन उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो होगा माइनस टू बी स्क्वायर एन एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन इसका मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया था उसका पहला ऑप्शन करेक्ट है अब बच्चों देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि
इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो बच्चों इसमें देखिए वेलोसिटी आपको गिवन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, आपको यहां पे डिस्टेंस बतानी है बच्चों, क्या बतानी है डिस्टेंस, ठीक है एस से लिख दें, एस हमको बताना है कहां से कहां तक, तो फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। कैसे बताएंगे बच्चों इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी गिवन है, मींस आपको वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, तो v बराबर क्या होता है ds/dt। इट मींस बच्चों ds बराबर हम vdt भी लिख सकते हैं। तो ds बराबर क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को वैल्यू पुट कर दो क्या है at plus bt स्क्वायर इंटू dt, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमको डिस्टेंस चाहिए तो सो लिखेंगे यहां पे, सो डिस्टेंस फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो कितना आएगा डिस्प्लेस डिस्टेंस टोटल, एस लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 का चाहिए ना डिस्टेंस, उसको इंटीग्रेट कर दो और साथ में क्या आएगा at plus bt square into dt। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 से 2 at dt plus 1 से 2 bt square dt। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा बच्चों, a कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें, यहाँ पे बच्चों b कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है t का और हमें इंटीग्रेशन करना है t स्क्वायर का, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। आपको यहां पे t की पावर n का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, क्या होता था मैं फिर लिख देता हूं। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी t की पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या होता था, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, मतलब जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है अपान में, जो जुड़ने के बाद पावर आई वही आ जाती डिवाइड में, प्लस सी भी आता है अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो, बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ वैल्यू दिया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बच्चों एस बराबर क्या आएगा, आप सोचिए ए तो कॉन्स्टेंट है, अट्टी की पावर क्या है 1, और इंटीग्रेशन क्या कहता है जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए, तो जब t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, t की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और जो पावर बनी यानी कि 2 पावर हो गई तो 2 ही डिवाइड में आ जाएगा, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, प्लस b t स्क्वायर। अब देखिए t स्क्वायर में भी वही सेम चीज होगी, t स्क्वायर तो कितनी पावर है t की 2, जब t की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या कहता है पावर में 1 जोड़ देना है, तो t की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपान में 3, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, इसको 1 प्लस 1 को 2 लिख दें, बहुत बढ़िया बच्चों इतना आप लोग सीख गए। अब सोचिए, अब तरीका ये होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले t की जगह 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस, तो बच्चों लोअर में कौन सी वैल्यू है 1, तो 1 को t की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर अपान में 2, प्लस ऐसे ही b के साथ देखो क्या आएगा बच्चों, यहां पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपान में 3। थोड़ा सॉल्व कीजिए तो s बराबर क्या आएगा, यहां देखिए 4 माइनस 1 यानी कि 3 बाई 2a, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 और माइनस 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, तो 7/3b प्लस 7/3b, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 3/2a एंड 7/3b।
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए प्यार से। ओके बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।